हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। आई एम सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। गेट एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक क्वेश्चन लिया है गेट 2016 का। क्लियर, ये रिजोनेंस का दूसरा पार्ट है और ये सर्किट थ्योरी को मैं ख़त्म भी कर रहा हूँ। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको गिवेन है, ठीक। गेट 2016 का ये क्वेश्चन है। रिजोनेंस के बारे में जो बेसिक आइडिया है मैंने एमसीक्यू लास्ट एमसीक्यू में दे दिया है मैंने, ठीक है। इस एमसीक्यू सीरीज में चूंकि ये न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चन है और कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो रिजोनेंस के बारे में हमने सब कुछ सीख लिया था कि क्या होता है रिजोनेंस और कैसे हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लॉजिक यूज करके हमें उसको अप्रोच करना होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में रिजोनेंस वर्ड यूज नहीं किया गया है। सिंपल क्वेश्चन दिया गया है आपको, वोल्टेज के बारे में गिवेन है, आपको सर्किट के बारे में गिवेन है। अब ये उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है उस पर कैसे बिहेव करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है कैसे ये सॉल्व होगा, ये सारी चीजें दिमाग में आने लगती है। यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है जो सप्लाई है वो 10 sin 1000 टी के बराबर है, यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो वीएम साइन ओमेगा टी, यानी वीएम की वैल्यू क्या हो गई 10 वोल्ट, पी की वैल्यू ऑफ वोल्टेज 10 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये चीजें क्वेश्चन में दी गई, क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। इन द सर्किट सोन बिलो द सप्लाई वोल्टेज 10 sin 1000 t वोल्ट्स, द पीक वैल्यू ऑफ द स्टेडी स्टेट करेंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, यानी मुझे निकालना है इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट का पीक वैल्यू, ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी। सर्किट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है कि मतलब हाँ कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो कई लोग अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करते हैं तो सीधे वो व्हीट स्टोन ब्रिज समझ के और मतलब बैलेंस कंडीशन निकाल के तो 0 वैल्यू पुट करके चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन को देखना है, जो हमें रिजोनेंस का कंडीशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में या सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। देखो मैंने बताया था ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सीरीज रिजोनेंस होता है, सीरीज रिजोनेंस, तो वहां पे एलसी एलसी लास्ट लेक्चर में ये चीज पढ़ा था। तो एलसी सीरीज जो आपका सर्किट होता है केवल एलसी, वो कैसे बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। जबकि पैरेलल में अगर प्योर पैरेलल एलसी है, पैरेलल रिजोनेंस कंडीशन में अगर प्योर पैरेलल एलसी सर्किट है तो उस कंडीशन में एलसी पैरेलल जो आपका सर्किट होता है वो बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। ये चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट सीरीज में, जो हमने एमसीक्यू 18 देखा था उसमें ये देखा था, क्लियर। तो कुछ उसी से रिलेटेड ये चीजें हैं। क्यों है? क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना पड़ता है। हमें क्या करना है, सिंपली जो आपके एक्सेल की वैल्यू आ रही है, जो एक्ससी की वैल्यू आ रही है, उसे कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना। अगर एक्सेल की वैल्यू एक्ससी के बराबर हो जाएगी तो पैरेलल सर्किट है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यहां भी वही चीज हो जाना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो हमें सिंपली एक्सेल और एक्ससी निकाल लेना है। तो एक्सेल एक्ससी निकालेंगे अगर ये, तो क्या आ जाएगा ये, अगर मैं इसका एक्सेल वैल्यू निकालता हूं, मान लो इसको मैंने एपोस्ट्रॉफी 1 ले लिया, तो XL1 की वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा इंटू L1, यानी 1000 × 500 mH, क्लियर, ठीक है। यानी मैं इसको बोल सकता हूं 10⁻³ हमने कर दिया तो ये 500 ओम आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। आपको ही पता है रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अगर मैं यहां पे देखूं, मैं अब बात करने जा रहा हूं इस कैपेसिटेंस की यानी XC1 की, तो XC1 की वैल्यू क्या आती है 1 ओमेगा C1 के बराबर, क्लियर, ठीक है। तो 1 ओमेगा C1 को कैलकुलेट करें जरा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारी 1000, C1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 माइक्रो फैरेड, यानी 2 × 10⁻⁶। तो ये आ जाएगा आपका 10³ आ जाएगा, 10³/2, यानी ये भी कितना आ गया 500 ओम। सिमिलरली इस इंडक्टर के लिए देखें तो XL2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.02, मतलब 1000 × 0.02 mH, ठीक है, यानी 0.02 × 10⁻³ कर दिया मैंने, क्लियर। तो XL2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 0.02 ओम, क्लियर। सिमिलरली
एक्स सी वन की बात करें, क्लियर, तो एक्स सी वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स सी टू की वैल्यू क्या होगी हमारी, वन अपॉन ओमेगा सी, क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वन अपॉन थाउजेंड इंटू 250 माइक्रोफेरेड एंड 250 इंटू 10⁻³, क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स सी टू की वैल्यू हमें जो आएगी वो आ जाएगी हमारी 10³ अपॉन 250, क्लियर। देयर एनी मिस्टेक, 1000 इंटू 0.02 मिली हेनरी, 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय 1000 इंटू 250 इंटू 10⁻⁶ फैरेड, तो ये आपका आ जाएगा 1000 ओवर, क्लियर, ठीक है। तो एक्स सी टू की वैल्यू जो हमें मिल रही है, ये मिस प्रिंटिंग है शायद क्वेश्चन में, ये 4 मिली हेनरी आई थिंक दिया हुआ था, या दिस इज द मिस प्रिंटिंग क्वेश्चन, ये आपका जो है वो 4 मिली हेनरी है, क्लियर। तो 4 मिली हेनरी का मतलब ये हो गया, आप जो एक्स एल टू निकालेंगे, एक्स एल टू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000 इंटू 4 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी है, तो ये आ जाएगा आपका 4 ओम। तो एक्स सी टू की वैल्यू और एक्स एल टू, देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक्स एल वन मस्ट बी इक्वल टू एक्स सी वन, ये हो रहा है, एक्स एल टू इक्वल टू एक्स सी टू हो रहा है, क्लियर। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखा था कि अगर मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उस कंडीशन में पैरेलल एलसी नेटवर्क है, दोनों के रिएक्टेंस सेम हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, करंट की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि वोल्टेज सेम फेज, मतलब वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम होता है। आप ऐसे भी, आप इसको ऐसे भी एग्जामिन कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये इंडक्टर है, कैपेसिटर, क्लियर, दोनों का रिएक्टेंस सेम है, यानी ये जे एक्स है और ये आपका माइनस जे एक्स है, क्लियर। वोल्टेज हम एज अ रेफरेंस ले सकते हैं कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज को हमने एज अ रेफरेंस ले लिया। करंट की बात करेंगे, क्लियर, ये मैंने मान लिया कि करंट आई एल है, ये करंट आई सी है, ठीक है। तो अगर मैं करंट की बात करूंगा तो आई एल, आई एल क्या होगा, इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, और आई एल की वैल्यू क्या होगी, आई एल की वैल्यू होगी वी अपॉन एक्स के बराबर, और 90 डिग्री लैग कर जाएगा क्योंकि इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है। सिमिलरली अगर मैं आईसी की बात करूंगा तो कैपेसिटर में करंट क्या होता है, 90 डिग्री लीड करता है, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, वी बाई एक्स के बराबर, और एंगल 90 डिग्री लीड करता हुआ, यानी ये दोनों करंट आई एल और आई सी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट करंट जो आएगा, आई की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, जीरो। आई की वैल्यू जीरो कब है, जब ये ओपन सर्किट हो जाए, यानी आपका ये जो सर्किट है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगे, तभी करंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। एक दूसरा तरीका ये भी है इसको समझने का, क्लियर। हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में इन सब चीजों को क्लियर कर दिया था कि पैरेलल एलसी है तो उस कंडीशन में वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, अगर सीरीज एलसी है तो उस कंडीशन में वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, अगर दोनों का रिएक्टेंस सेम आता है तो, क्योंकि वो रेजोनेंस का कंडीशन हो जाता है, क्लियर। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सारी एक्स एल वन की वैल्यू एक्स सी वन के बराबर, एक्स एल टू की वैल्यू एक्स सी टू के बराबर है, तो हमारा जो सर्किट अब बन के आएगा, वो सर्किट क्या बन के आएगा वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर सर्किट को ड्रॉ करूं तो सर्किट देखो क्या ड्रॉ होगा, सिंपल सर्किट ड्रॉ हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस 4 ओम, ये 1 ओम, क्लियर। ये एलसी क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, क्योंकि एक्सएल वन की वैल्यू एक्स सी वन के बराबर है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, क्योंकि एक्सएल टू की वैल्यू एक्स सी टू के बराबर है, और ये आपका 5 ओम, क्लियर, ठीक है। और ये आपका वोल्टेज सोर्स, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि पूरा का पूरा करंट, देखो यहां पे ये पूरा का पूरा सर्किट क्या हो गया, सिंपल सीरीज सर्किट हो गया। यहां से करंट का फ्लो शुरू हुआ, यहां से करंट क्या होगा, फ्लो होना शुरू हुआ यहां से होते हुए, और फिर से ये सर्किट इसने कंप्लीट कर ली, क्लियर। यानी सिंपल सीरीज सर्किट हमारा बन के आएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूंगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं आई टी की वैल्यू निकालूं तो आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टी अपॉन आर के बराबर, क्लियर।
और आर की वैल्यू क्या है, तीनों सीरीज में है तो 5 + 4 + 1 यानी वी टी अपॉन 5 + 4 + 1। क्लियर, यानी क्या हो जाएगा ये 10 sin 1000t / 10 यानी ये क्या आ जाएगा आईटी की वैल्यू 1 sin 1000t के बराबर। यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी आई पीक की बात करूं या हम आई मैक्सिमम भी बोलते हैं उसको, आई मैक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो क्या आ जाएगा 1 एम्पियर के बराबर। क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करूं आई एम साइन ओमेगा टी से तो आई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एम्पियर के बराबर आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको ध्यान देना होता है कि जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उस पर आपका रिएक्टेंस का नेचर क्या आ रहा है, क्या एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो रही है, उस बेसिस पे हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है और बहुत ही ईजी वे में अप्रोच करना है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको बस सर्किट कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लगता है डाटा कम दिया हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है, कभी कई कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हुए हैं, 2016 में ही एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि उसमें स्टार और डेल्टा कॉम्बिनेशन में एल और सी सर्किट दे दिया था, तो वहां भी ऐसा ही कुछ था। करंट की वैल्यू पूछ रहा था करंट कब इसमें जीरो फ्लो नहीं होगा, तो वो भी रेजोनेंस का ही कंडीशन हो जाता है कि पैरेलल सर्किट में अगर केवल प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर है तो करंट जीरो तभी होगा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या हो जाए, एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाए। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्चुअल व्यू भी क्लियर हुआ होगा कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो अगर कोई अगर डाउट हो आपका तो प्लीज चैट बॉक्स में छोड़िए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए प्लीज, और किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में छोड़िए। थैंक यू वेरी मच।